नमस्कार, मैं ज्ञानेंद्र वर्मा विज्ञान विषय के साथ आप सभी लोगों का जीएसएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आपको इस समय लगातार कक्षा 10 के एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के प्रकाश यूनिट के जो आपका परावर्तन और अपवर्तन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं, जिसमें आपको दो तीन टॉपिक दो वीडियो में मैंने दिया है और आप उसी का आगे का जो पार्ट है उसके साथ मैं आप लोगों के समक्ष हाजिर हूं। और मैं ये चाहता हूं कि आप लोग क्लास को बहुत ध्यानपूर्वक देखें, बैठकर कॉपी कलम ले लें साथ में, जिससे कोई भी चीज़ आपको दिक्कत ना हो। मैं हट जाया भी करूँगा, आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। आप CBSE बोर्ड के हैं तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, और आप UP बोर्ड के हैं तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। CBSE बोर्ड के बच्चे खासकर ध्यान दें, पूरा बोर्ड ये हमारा जो है वो आप देख रहे हैं, इंग्लिश में सब लिखा हुआ है। आप स्क्रीन शॉट लेके इसको आप समझ सकते हैं, इसको आप बना सकते हैं, कहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स बना लीजिए आप, और इसको बाकायदा मैं एक एक करके मैं हिंदी में पढ़ाऊंगा। और कॉन्सेप्ट से देखिए, प्रकाश जो आपका खंड है विज्ञान के अंतर्गत, वो भी भौतिक विज्ञान के, उसको आप कभी रटकर नहीं जान सकते। आपको जानना है तो सिर्फ आप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे तभी आप जान पाएंगे। और इसके लिए आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और बिल्कुल एक समय ऐसा आएगा कि आप स्टूडेंट नहीं, आप खुद पढ़ाने जैसे हो जाएंगे। आपको लगेगा कि आप स्वयं एक शिक्षक हैं। उस दिन आपको होगा कि नहीं, ज्ञानेंद्र सर ने जो कहा था वो बात सही है। तो चलिए आइए हम चर्चा करते हैं किसकी, आज का जो आपका टॉपिक है जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन है क्या, इसको जानिए कैसे। देखिए, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ती हैं तो वो वस्तु के पृष्ठ से किरणें जो है अधिकांशता वापस हो जाती हैं। इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन अगर हम इसको और भी अच्छे ढंग से, सिस्टमेटिक ढंग से कहें, तो आपका लिखा है कि द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक, मतलब वापस भेजने की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज व्हिच फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसी वस्तु के सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों का वापस हो जाना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो हम ऐसा कहेंगे कि प्रकाश की किरणों का किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह से वापस होना या उसी माध्यम में लौट जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो आप इसमें आप देख लीजिए कि आपका जो ये फिगर बना है, हमने एक मिरर ले लिया जिसका नाम M और M डैश है, ये प्लेन मिरर है हमारा, समतल दर्पण है, इस पर एक रे आई है, एक किरण प्रकाश की आई है, जिसको कहते हैं इंसिडेंट रे। और इंसिडेंट को अगर हम देख शॉर्ट में कहें तो शॉर्ट में कहते हैं क्या, आई रे कहते हैं। आई रे मतलब आने वाली किरण, और वो पॉइंट वो पर जिसे हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, यहाँ पर गिरती है तो इस सरफेस से जब टकराती है तो ये तुरंत वापस मुड़ जाती है उसी माध्यम में जो OBC रिप्रेजेंट है। तो यानी ये आपकी इंसिडेंस रे हो गई, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो गई, और जो मिरर है आपका एक तरफ पॉलिश्ड है, कलई किया हुआ है, तो इसका दूसरा जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टेड सरफेस बन गया, इसलिए एक ऐसा हो गया मिरर। ये हमारा समतल दर्पण है जिस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें उसी माध्यम में लौट जाती हैं। तो प्रकाश की इस घटना को क्या हम कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, तो ये आपका हो गया प्रकाश का परावर्तन। अब इसमें देखिए टर्म्स क्या आते हैं, आपके टर्म्स आते हैं कि आखिर आपसे अगर कोई पूछ ले कि इंसिडेंट रे किसे कहते हैं, अगर आपसे कोई पूछ ले कि इंसिडेंट रे किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे द रे ऑफ लाइट। द रे ऑफ लाइट इसका मतलब ये हो गया प्रकाश की वह किरण विच फॉल्स ऑन द मिरर
which falls on the mirror surface, जो दर्पण के सतह पर पड़ती है उसको क्या कहते हैं हम, इंसिडेंट रे कहते हैं या हम आई रे कहते हैं। एक बार पुनः पढ़ लीजिए कि दर्पण के प्रावर्तक पृष्ठ पर पड़ने वाली टकराने वाली किरण को हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। यानी द रे ऑफ लाइट व्हिच फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। और हम अगर दूसरी परिभाषा पढ़ें तो यहां से आपका इंसिडेंट रे क्लियर हो जाता है। अब हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं। रिफ्लेक्टेड रे किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए, रिफ्लेक्टेड रे किसे कहते हैं, तो द पॉइंट एट व्हिच द इंसिडेंट रे फॉल्स, ध्यान दीजिए इस बात को, आपका रिफ्लेक्टेड रे क्या कहलाती है, ठीक। द रे ऑफ लाइट व्हिच इज बैक, द रे ऑफ लाइट व्हिच इज बैक, प्रकाश की वो किरण जो वापस मुड़ती है, मतलब सेंड बैक बाय द मिरर इज कॉल्ड, इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। द रे ऑफ लाइट व्हिच सेंड बैक फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। तो यहां से ये भी आपका क्लियर हो गया कि दर्पण के प्रावर्तक पृष्ठ से टकरा कर वापस होने वाली प्रकाश की किरण को कहते हैं हम प्रावर्तित किरण। अब आपका तीसरा आता है कि नॉर्मल क्या है, नॉर्मल मतलब अभिलंब किसे कहते हैं, तो अभिलंब, द नॉर्मल इज अ लाइन एट राइट एंगल टू द मिरर सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। कहने का मतलब यह है कि वो रेखा नॉर्मल, वो रेखा है जो मिरर पर राइट एंगल बनाती है और पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस से होकर जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। नॉर्मल को हम अभिलंब कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे को हम क्या कहते हैं, आर रे या प्रावर्तित किरण कहते हैं। इसको हम जो है, आप दोनों चीज समझते जाइए, साथ में समझते जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। फिर है आपका एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, देखिए नॉर्मल और आपतित किरण के बीच, नॉर्मल और आपतित किरण के बीच बने कोण को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब आपका आता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच अर्थात अभिलंब और प्रावर्तित किरण के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या प्रावर्तन कोण। अगर हम हिंदी की बात करें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहते हैं आपतन कोण और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को कहते हैं प्रावर्तन कोण। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपतन कोण किसे कहते हैं, तो आप कहिए, यहाँ आप फिगर को देखिए, आपके दिमाग में ये फिगर होना चाहिए। आप इस फिगर को बड़े आसानी से बना सकते हैं। एक मिरर लीजिए जिसका एक सरफेस आप पॉलिश कर दीजिए, डॉट दिखा दीजिए। इसका मतलब ये हो गया कि जब किसी पारदर्शी माध्यम के कांच के टुकड़े के एक सिरे को आप पॉलिश करेंगे तो दूसरा सिरा जो होता है उसका, वो रिफ्लेक्टेड हो जाता है, वो प्रावर्तक पृष्ठ की भांति व्यवहार करने लगता है। अर्थात जब प्रकाश की किरणें उस पर पड़ती हैं तो पुनः उसी माध्यम में टकरा कर वापस हो जाती हैं और प्रकाश की इस घटना को कहते हैं क्या, प्रकाश का प्रावर्तन कहते हैं। उसी तरीके से आप आइए, हम पुनः एक बार फिर से समझते हैं कि हम ऐसे लेंगे एक मिरर, उसका एक जो है सरफेस हम पॉलिश कर देंगे, दूसरा रिफ्लेक्टेड सरफेस बन जाएगा और वो कहलाएगा आपका दर्पण। और वो कैसा दर्पण है, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक प्रकार का समतल दर्पण है, यहाँ प्रकाश की किरण आई ओ ए और वो रिफ्लेक्ट होकर ओ बी उसी माध्यम में चली गई। फिर हम उस पर एक नॉर्मल खींचते हैं, फिर देखते हैं नॉर्मल और आपतित किरण यानी अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और आप प्रावर्तन कोण जो होता है आपका, वो अभिलंब और प्रावर्तित किरण के बीच बने कोण को हम प्रावर्तन कोण कहते हैं। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपका हो गया। अब आपको जानना है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस अगर ये पार्ट आपको जानना है तो आप समझिए कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मतलब आपतन बिंदु, आपतन बिंदु वह बिंदु होता है जिस पर प्रकाश की किरण आके टकराती है। तो आपतन बिंदु क्या है, दर्पण मिरर पे वह बिंदु जहां पर प्रकाश की किरण आके टकराती है, आपतन बिंदु कहलाते हैं। अगर दूसरे शब्दों में हम देखें तो जो आपका ये प्रावर्तन बिंदु होगा वो भी आपका यहीं का होगा, क्योंकि यहीं से ही वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। और फिर आपका आएगा रिफ्लेक्टेड सरफेस,
प्रावर्तक पृष्ठ क्या होता है, तो समझिए इस चीज को। प्रावर्तक पृष्ठ वह दर्पण का वह पृष्ठ जिसपे प्रकाश किरण पड़ के टकरा के वापस हो जाती है वो क्या कहलाती है, प्रावर्तक पृष्ठ कहलाती है। तो यहां से आप ध्यान दीजिए एक बार पुनः। अब आप देखिए इंसिडेंट रे कौन सी रे है, आपकी है इंसिडेंट रे AO रे है, और आपका रिफ्लेक्टेड रे क्या है OB है आपका, और आपका नॉर्मल क्या है ON है आपका। चलिए इसको भी इसी फॉर्म में लिख दें, OA आपका क्या है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे क्या है OB है आपका, ON आपका क्या है नॉर्मल है, और एंगल आप इंसिडेंस हमारा I है, एंगल I है, और जो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो एंगल R है, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वो है, और रिफ्लेक्टेड सरफेस हमारा जो है वो M और M डैश है जिसे हम मिरर कहते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपकी ये जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की प्रोसेस यहाँ पर समाप्त होती है। आप बड़े आसानी से इसको आप जान सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का प्रावर्तन कितने प्रकार से होता है। तो प्रकाश का प्रावर्तन दो प्रकार से होता है, एक आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक आपका होता है इररेगुलर रिफ्लेक्शन। देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन जो आपका होता है, समझिए इस चीज को, रेगुलर रिफ्लेक्शन जो आपका होता है उसमें जो प्रकाश की किरणें हैं वो प्रावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। जैसे ये आपका सरफेस है, ये स्मूथ सरफेस है आपका, चिकना सरफेस है आपका, तो यहाँ पर प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं और वापस उसी माध्यम में लौट जा रही हैं, लेकिन आप देखिए ये एक दूसरे के क्या है समांतर है। तो ऐसा प्रावर्तन, ऐसा प्रकाश का प्रावर्तन जिसमें प्रावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं क्या कहलाता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है या नियमित प्रावर्तन कहलाता है। अब बात करते हैं हम इररेगुलर की, तो इररेगुलर रिफ्लेक्शन ऐसा रिफ्लेक्शन होता है जिसमें प्रकाश की किरणें प्रावर्तन के पश्चात बिखर जाती हैं, सभी दिशाओं में बिखर जाती हैं, वो समांतर नहीं होती, तो ऐसे प्रावर्तन को हम कहते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या अनियमित प्रावर्तन आप प्रकाश कहते हैं, या अनियमित प्रावर्तन कहते हैं हम प्रकाश का अनियमित प्रावर्तन। तो इस तरीके से आप यहाँ दो चीज देख सकते हैं। आपको मैं बता दूं रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए ये जरूरी है कि आपका जो सरफेस हो वो स्मूथ हो, और जो आपका इररेगुलर सरफेस रिफ्लेक्शन होता है उसमें आपका जो सरफेस होता है वो आपका कैसा होता है, रफ होता है, उसमें स्मूथ की बात नहीं होती है। जब आपका रिफ्लेक्टेड सरफेस स्मूथ होगा तो उसमें जो प्रावर्तन के पश्चात जो प्रकाश की किरणें होंगी, जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी, वो एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो इसमें आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आसानी से आप समझ सकते हैं। हमें लगता है कि आप समझ रहे होंगे और बहुत ही लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आप लोगों का ये प्यार निश्चित ही हम लोगों को ऊंचाइयों तक ले जाएगा और हमारी मेहनत एक ना एक दिन सफलता में जरूर परिवर्तित होगी, ये हम पूरी आशा करते हैं। आगे हम चलते हुए आप कहते हैं यहां से देखिए दो चीज यहां से निकलती है। एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश की प्रावर्तन की घटना से आप क्या समझते हैं और प्रावर्तन के नियमों को लिखिए। यहां से सीधा सवाल आपका बनता है, हो सकता है आपका रेगुलर इररेगुलर ना पूछा जाए, लेकिन यहां से सवाल आपका पूछा जाता है तो ये सवाल आपका है कि इसके जो लार्ज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं वो दो होते हैं, लार्ज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो दो प्रकार के हैं, यानी प्रावर्तन के दो नियम हैं, जिसमें पहला नियम जो आपका है, पहला नियम जो आपका है वो कहता है कि द इंसिडेंट रे, पहला नियम जो आपका है वो कहता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल आल लाई इन सेम प्लेन, आल लाई इन सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो है इंसिडेंट रे मतलब आपतित किरण और रिफ्लेक्टेड रे प्रावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, ये इसका प्रथम नियम है। और अगर दूसरा नियम की बात करें, अगर इसके हम दूसरे नियम की बात करें सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज स्टेट दैट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, That is angle R equal to angle I, अर्थात प्रकाश के प्रावर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार
आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है या परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। दोनों नियम एक बार पुनः सुन लीजिए। प्रकाश के परावर्तन के प्रथम नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, और प्रकाश के परावर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार आपका जो रिफ्लेक्टेड जो आपका है परावर्तन कोण है वो हमेशा आपतन कोण के बराबर होता है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ये इतना खत्म होता है। हम अगली टॉपिक के साथ आपके साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद।